तो गाइस विजय भाई और पबजी मोबाइल में एक नया अपडेट आने वाला है जिसमें आपको एक नया मैप देखने को मिलेगा जिसका नाम है नूसा और ये गेम प्ले वीडियो ठीक उसी के ऊपर है। और इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, नई गाड़ी, कुछ नई गन्स इसमें डाली गई है और पूरा मैप तो नया है ही है, तो बहुत सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इस वीडियो को लाइक टारगेट है 200 लाइक तो जरूर कर देना। और ये अभी हम आ चुके हैं इस मैप के अंदर इस पॉइंट आइलैंड पे और ये क्या हेलीकॉप्टर वगैरह भी इसमें मिलेगा और उसके साथ साथ पता नहीं इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, सारी चीजें हम इसी वीडियो में देखेंगे। और ये नई व्हीकल आई है और ये नई शॉटगन आई है और भी बहुत कुछ इसमें नया है। खैर अभी हम स्पॉन आइलैंड पे आ चुके हैं और ये क्या बॉट ने भाई इसमें लात मारी और बॉल कहां पर जा रही है, हम भी मुक्का मारते हैं कितनी दूर जा रही है भाई, कितनी हल्की बनाई है बीजेपी वालों ने, बॉल टाइम पास करने के लिए यहाँ पर बॉल डाल दी है। और अभी हम आ चुके हैं इस प्लेन के अंदर और यहाँ पर मैप में आप देख सकते हो बहुत सारी जगह है। अभी हम चलते यहाँ पर ये क्या साइंस सेंटर पे हम जाएंगे और ये मैप पता है पूरा 10 से 15 मिनट के बीच में तुम्हारा खत्म हो जाएगा। लेविक से भी ये छोटा मैप है, जो काराकिन मैप आया था ना उससे भी छोटा या फिर उसके बराबर भी कह सकते हो तुम। काराकिन और इस मैप में एक चीज का अंतर है, उसमें व्हीकल नहीं मिलती है काराकिन मैप में, इसमें तुम्हें व्हीकल मिलेगी, मॉन्स्टर ट्रक मिलेगा, एक नया ट्रक आया वो भी मिलेगा, डासिया मिलेगी, यूएस का तो पता नहीं मुझे। अगर गाइस मान के चलो कि बीजेपी वाले रेंगल मैप को हटा दें, हाँ मैं ये कह रहा हूँ मान के चलो, वैसे उठाएंगे नहीं, उनका धंधा रेंगल मैप से चल रहा है, एक पल के लिए मान लो, तो तुम लोग कौन सा मैप जो है खेलोगे, लेविक, सैनोक, मिरामार, काराकिन, फिकेंडी या फिर ये नूसा? नीचे कमेंट में जरूर बताना। नूसा तो तब खेलोगे ना जब जब ये अपडेट सबके लिए आ जाएगा, बीजेपी में अभी कुछ दिनों बाद आ ही जाएगा ये। और ये क्या हमें नई वाली शॉटगन मिल गई, इसका नाम बड़ा अजीब सा था। और शॉटगन के साथ साथ हमें यहाँ पर एक बंदा भी मिल जाता है टेस्टिंग करने के लिए, जो कि यहाँ पर बैठा हुआ था पता नहीं क्या कर रहा था। और ये अबे साले मुक्का मार रहे मेरे अंदर, और ये देखो एक ही शॉटगन ने इसकी पेटी बना डाली। इस कच्चादारी के पास कुछ नहीं था, ना ही वेस्टन और ना ही हेलमेट, और इसका डैमेज मुझे अभी लॉन्ग रेंज में भी देखना है। देख रहे हो किस टाइप की शॉटगन है ये, मुझे तो ये वो लग रही है जो पेलोड मोड में जो गन मिलती है ना, क्या कहते हैं उसे, तोप, उसी टाइप में। अब ये बॉट आ गया यहाँ पर, अब इसको लपेट के देखते हैं हम इस वाली शॉटगन से थोड़ा दूर से। एक दो, दो गोलियों में देख रहा हूँ, मतलब इतनी जल्दी दो गोलियों में उड़ा दिया इस बॉट को, ये तो लेवल 2 का होके आया था पूरा। मेरा तो मन भी नहीं कर रहा है इस शॉटगन को फेंकने का। और ये देखो इतनी दूर से केवल एक गौज में इसने इस लसन कच्छादारी को उड़ा दिया। अब दूसरा वाला आ गया, इसको देखते हैं, इसको 3 गोलियों में, कुछ ज़्यादा ही दूर हो गया था वो। अगर ये शॉटगन एंगल में आ गई तो भाई साहब मैं तो इसी को चलाऊंगा, लौंडे परेशान हो जाएंगे मुझे लपेटते लपेटते, मैं इस वाली शॉटगन को और एक लिविक में जो आती है वो भी आ जाए शॉटगन उसमें, तो दोनों को चलाने का मजा ही कुछ और रहेगा और उनका कॉम्बिनेशन ओपी रहेगा बिल्कुल। ऑटो पे चलती है वो वाली गन तो बिल्कुल सांस भी नहीं लेती है। और ये देखो ये धागा कहाँ पर जा रहा है, लेकिन उससे पहले ये देखो ये अब तक का दूसरा मैप बन चुका है जिसमें मॉन्स्टर ट्रक हमें मिलने लग गया है। लिविक से ज्यादा इसमें मॉन्स्टर ट्रक मिलना चाहिए, सही है वो लिविक में एक और नई गाड़ी आई थी वो रेंगल में नहीं डाली, कितनी घटिया गाड़ी थी। और ये यहाँ पर हम वहाँ पर झोपड़ी वगैरह सब कुछ बना रखा है और हरियाली तो इस मैप में कुछ ज़्यादा ही हरियाली है इस मैप में। मॉन्स्टर ट्रक को छोड़कर मुझे यहाँ पर डाजिया मिल जाती है और अभी हम और कहीं पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले ये क्या है यहाँ पर, अरे ये झूला यहाँ पर भी डाल दिया इन्होंने। चलो गाइस इस झूले से नीचे की ओर चलते हैं, चल बेटे। और ये अभी हम नीचे की ओर आ चुके हैं झूले की मदद से, क्या ही शॉट मारा है मैंने, ये दोबारा चलते ऊपर। गाइस ये झूला तो मुझे कुछ ज्यादा ही भागे, काश ये रियल लाइफ में भी होता तो मैं ऐसे ही झूलते कभी ऊपर कभी नीचे जाता ही रहता। और ये मैप मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, अभी इसमें बहुत सारी चीजें रह गई हैं उसके लिए वो मैं सेकंड पार्ट में कवर करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटा आता है उसको भी दबा देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइस अभी हम एक और गाड़ी को ढूंढने जा रहे हैं, अभी तो मॉन्स्टर ट्रक है यहाँ पर, एक और गाड़ी मुझे यहाँ पर आस पास दिखी थी पता नहीं कहाँ गई, ये तो डासिया खड़ी है, डासिया को उठाते हैं और ढूंढते जाते हैं उसको। एक मिनट ये क्या है, ये डैमेज गाड़ी, एक मिनट भाई ये गाड़ी है जिसी को तो ढूंढ रहा था मैं, ये कैसे घास में ही टपटी पड़ी, पहले एक सेकंड ये बॉट कहाँ से आ गया, एक दो तीन, तीन गोलियों में ये बॉट उड़ा दिया हमने। चलो दोबारा चलते हैं, अब की बार इसको फुल रफ्तार में देखते हैं ये कितनी रफ्तार पे जा सकती है ये। अरे पलट गई भाई, कितनी दूर जाएगी पलट के, चलो दोबारा बैठ के अभी हम देखते हैं गाइस पूरी रफ्तार में कितनी किलोमीटर रफ्तार की रफ्तार से जाएगी ये।
लेकिन इससे पहले ये सारे बॉट और आ जाते हैं बिघ्न डालने के लिए हमारी गाड़ी की टेस्टिंग कर रहे हैं। हम यहाँ पर कंटेंट बना रहे हैं और ये बॉट हमारा कंटेंट बिगाड़ने के लिए आ जाते हैं। इन पहाड़ियों पे तो ये गाड़ी मस्त चल रही है, लेकिन मुझे रफ्तार चेक करनी है भाई। कोई प्लेन रोड मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये खाई पे ड्रॉप गिरा है, ड्रॉप में चेक तो कर ले क्या माल आया है। और ये वाली जगह तो क्या ही सुंदर लग रही है, पानी भी है इधर, बॉल भी है, सब कुछ है, ड्रॉप भी है। और ये ऊपर वाला ब्रिज पता नहीं किसने तोड़ दिया है। बीजे भाई बोलो किसने ये ब्रिज तोड़ दिया, थोड़ा इसका सारांश तो बताओ, स्टोरी तो बताओ इस मैप की कि कैसे उत्पाद हुआ इस मैप का, उत्पादन हुआ सॉरी। खैर गाइज अभी हम बिल्कुल प्लेन रोड पे आ चुके हैं और इसकी मैक्सिमम रफ्तार अभी चेक करने वाले हैं। 107, 108, 109 पे अटक गई है, तो 10 पे सॉरी ये तो बढ़ती ही जा रही है। 112 है, 112 रफ्तार है इसकी मैक्सिमम। और ये ट्रक कैसा खड़ा है भाई, मुझे तो लग रहा है ये भी चल पाएगा, लेकिन ये तो पहले से पंचर डला है। काश इसमें कोई ट्रक वगैरह का अपडेट भी आ जाए, उसको चलाने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आएगा। हाँ वो एक बार आया तो था टेस्ला वाला, लेकिन वो ऑटोमेटिक ही डोलता रहता था और लूट फैलाता रहता था, गंदगी फैलाता था चारों। अभी गाइस इस मैप में देखने के लिए बहुत कुछ रह गया है, इसमें एक नया क्रॉसबो भी आया है, उसको भी अभी हम चेक करने वाले हैं, जो कि हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है। मुझे पता है तुम लोग पक गए होंगे मेरी बकवास को सुनते सुनते, तो जिन्होंने अपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।